नमस्कार, कक्कू की किचन में आज मैं आपको शिकंजी का बाजार जैसा मसाला बनाना बताऊंगी, जिससे आप अलग अलग फ्लेवर की शिकंजी बना सकते हैं। तो आज मैं आपको तीन तरह की शिकंजी बनाना बताऊंगी, तो आइए बनाते हैं। बाजार जैसे शिकंजी का मसाला बनाने के लिए हम सबसे पहले मसाला तैयार करेंगे, फिर शिकंजी बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये 2.5 चम्मच जीरा लिया है, इसको भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है हमें, हल्का सा ये नमी निकल जाए, थोड़ी खुशबू आने लग जाए, फिर गैस ऑफ कर देंगे, इतना ही भूनना है। अलग अलग फ्लेवर में हम आज शिकंजी बनाएंगे, आप देखेंगे कि बिल्कुल बाजार जैसा मसाला बनेगा, जो आप छाछ में, शिकंजी में और कोई जूस बनाए, किसी भी जूस में आप ऐड करके ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। देखिए ये जीरा भुन गया है, अब हम इसे पीस लेंगे, इसमें और मसाले भी ऐड करेंगे। अभी ये जीरा जो सेखा था ये ठंडा हो गया है, इसको डाल लेंगे हम जार में। ये 2.5 चम्मच जीरा लिया था हमने सेका जब, तो 2.5 चम्मच ही कच्चा जीरा लेंगे, बिना सेका हुआ। सिके हुए और बिना सिके हुए की अलग अलग तासीर होती है, इसका अलग अलग टेस्ट होता है। 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच सफ़ेद नमक और ये 2 इलायची। इसकी काफ़ी अच्छी खुशबू आ जाती है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब इन सबको हम पीस लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें मसाला पीसना है, बिल्कुल बारीक पीसा है, इसको बारीक ही पीसना है। इस मसाले को आप 1 साल तक स्टोर भी कर सकते हैं, जब भी मन करे निकाला और डाला और शिकंजी बना के फटाफट पी सकते हैं, ये खराब नहीं होएगा। अब हम शिकंजी के लिए सिरप बनाएंगे। शिकंजी बनाने के लिए मैंने ये शुगर सिरप बना रही हूँ, जिससे हमें चीनी हर बार लेके थोड़ी थोड़ी मिलानी नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने 1.5 कप पानी लिया है और 1.5 कप ही चीनी और थोड़ी सी केसर के लच्छे डाले हैं मैंने, रेशे जो आते हैं, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाएगा। अब हम इसे बॉईल कर लेंगे, जब थोड़ी उबाली आ जाएगी तभी इसे बंद कर देंगे। अब देखिए अभी चीनी मेल्ट होने लगी है, थोड़ी सी बची है, आप देख सकते हैं इसमें सारी चीनी मेल्ट हो गई है। अब एक उबाली आने तक हम चलाएंगे इसे और फिर गैस ऑफ कर देंगे। इसमें हमें कोई तार नहीं बनाना और चाशनी नहीं बनानी, बस चीनी ही मेल्ट करनी थी। उबाली आने लगी है, अब इसे ठंडा होने देंगे। तैयार है हमारा शुगर सिरप। अब ये जो शिकंजी का मसाला बनाया था, इसमें मैं 1 चम्मच सॉल्ट का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब बनाते हैं शिकंजी। हम 3 तरह की शिकंजी बनाएंगे, एक तो मैंगो की, वाटरमेलन और लेमन की। तो सबसे पहले हम मैंगो को ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में। ये देखिए ऐसे पीस लिया, इसका पेस्ट बन गया है। ऐसे वाटरमेलन को भी पीस लेंगे और इसके मैंने बीज निकाल दिए, जो कि अंदर काले काले बीज आते हैं बड़े बड़े, ये हटा दिए, इसको भी ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए आम को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है, अच्छे से हो गया है ये। ऐसे ही तरबूज को भी ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम बनाते हैं शिकंजी। अब हम 3 फ्लेवर की शिकंजी बना रहे हैं, तो तीनों में ही लेमन जाएगा। तो हम सबसे पहले नींबू का जूस निकालेंगे। ऐसे तीनों में ही जूस डाल देंगे। ये हम नॉर्मल शिकंजी बना रहे हैं और इन दोनों में हम फ्लेवर वाली बनाएंगे, तो इसमें थोड़ा नींबू कम लिया है और इसमें ज़्यादा है। तो ये जो मसाला बनाया था हमने, 1 चम्मच मसाला ऐड करेंगे, तीनों में 1-1 चम्मच जाएगा।
ये पुदीना पत्ती लिए, इससे काफी अच्छा फ्लेवर आ जाता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी रहती है और फायदा भी खूब करती है। तो ये मैंने इसमें डाल के थोड़ा इनको हम कूट लेंगे। थोड़ा थोड़ा इन सब में डाल देंगे जिससे काफी अच्छा फ्लेवर आएगा। अब ये शुगर सिरप भी ठंडा हो गया तो हम एक एक चमचा ये डालेंगे इसमें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब आइस क्यूब जाएगी इसमें। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर देंगे। ये मैंगो पल्प डालेंगे। थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अब ये तरबूज का डालेंगे। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी पानी होता है। लीजिए, तैयार है हमारी तीनों तरह की शिकंजी। ये नॉर्मल शिकंजी बहुत ही टेस्टी बनी है, देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है, तो आप पियेंगे तो टेस्ट कितना अच्छा आएगा। ये मैंगो शिकंजी, ये तरबूज की शिकंजी, काफी अच्छा फ्लेवर आया इन सब। आप देख सकते हैं गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें मैंगो पीस डाले हैं, ऐसे ही इसमें तरबूज के भी पीस डाले हैं, तो आप ऐसे इस ढंग से गार्निश कर सकते हैं। और आप भी इसे ट्राई कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे नए अपडेट्स आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।